लड़कों की लाइफ कितनी इजी है, नहीं ये बात सारी लड़कियां रिलेट कर सकती है, लेकिन अभी यहाँ पे लड़के बोलेंगे अरे अरे ऐसा नहीं है, आपको क्या पता कितनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती है, क्या क्या करना होता है। चलो प्रैक्टिकली एक सिचुएशन देती हूँ, ठीक है। आप सारे लड़कों को कि अपने रिलेटिव्स में किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, ठीक है, आप बस मुझे इतना बताओ कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी होगी। शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको जिस दिन बर्थडे पार्टी में जाना है आप उसी दिन अपनी मम्मी को, अपनी बहन को या अपनी वाइफ को बोलोगे मेरे कपड़े निकाल दे, ठीक है, उनको आयरन कर देना और बस आप सीधे पहनोगे और आप चले जाओगे, हो गया। ये आपकी, आपको अगर बर्थडे पार्टी में जाना है तो ये आपकी सिचुएशन। अब मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे एक्चुअली बर्थडे पार्टी में जाना है, ठीक है। सो अब मेरा सबसे पहला थॉट ये चल रहा है कि मैं पहनू क्या, क्योंकि मुझे पहनने का ड्रेस निकालने से पहले मुझे ये सोचना है कि मैंने वो ड्रेस कितनी बार कहाँ पहनी है, मेरे पास कितनी ड्रेसेस अवेलेबल है और उन्हें मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ। एक तो पता है लड़कियां और लेडी से दुष्ट बहुत होती हैं, मतलब किसने कौन से फंक्शन में क्या पहना था वो उनको बराबर से याद होता है। अब अगर चलो मान लो कि मैंने इस मेहनत के बाद, मतलब इतनी मेहनत के सोचने के बाद में मैंने अपनी ड्रेस निकाल भी ली, अब मेरा दूसरा थॉट ये है कि दूसरे लोग क्या पहनने वाले हैं, क्योंकि सुंदर लगना लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अब मेरा दूसरा थॉट ये कि बाकी सब क्या पहनने वाले हैं। अब चलो मेरे को वो उससे मतलब नहीं, चलो मैंने उस बात को साइड में हटा दिया, मैंने जो ड्रेस डिसाइड की है क्या उसकी ज्वेलरी मेरे पास अवेलेबल है। चलो वो अगर हो, मेरे पास अगर मैचिंग ज्वेलरी नहीं हो तो मुझे वो खरीदनी है सबसे पहले, तो हो तो चलो मिल गई तो चलो ठीक है, वो भी निकाल ली मैंने। तीसरी चीज, मेरे पास कौन कौन से फुटवियर अवेलेबल है, मुझे उसमें क्या पहनना है। चौथी चीज, क्या मुझे अपने साथ में पर्स लेना है या नहीं लेना है। पांचवी चीज, क्या मुझे नेल पेंट लगानी है, खैर नेल पेंट तो लगानी है पर क्या उस कलर की मेरे पास में अवेलेबल है। छठी चीज, मेरी आईब्रो बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, मेरे अपर लिप्स है या नहीं है करे हुए, मुझे हेयर कट करवाना है या नहीं करवाना है। इतनी सारी चीजें, शायद ये तो मैंने आपको 10-20% बताया है, इससे भी मतलब 10 गुना ज्यादा हमारे माइंड में चल रहा होता है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या पहनना है, कैसे जाना है, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, कौन सा मेकअप लगाना है, हेयर स्टाइल कैसे बनाना है, क्या उस ड्रेस पे वो हेयर स्टाइल मैच करेगा। और उसके बाद में आप बोलते हो कि नहीं 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 लड़कों की लाइफ ज्यादा प्रॉब्लम वाली है। बताओ कैसे प्रॉब्लम वाली है। देखो आपको सिचुएशन मैंने प्रैक्टिकली दी, आपके पास में तो कुछ भी करने को नहीं था, आपको तो बस कपड़े पहनने हैं, उठ के चल दिए, और हमें देख लो क्या क्या करना होता है। लड़कों की लाइफ इजी होने के साथ साथ ना लड़के थोड़े अच्छे भी होते, मतलब जल कुकड़े नहीं होते। लड़के और लेडी से बहुत जल कुकड़ी होती है, मतलब उन्हें बहुत जलन होती है सामने वाले को देख के। इसकी जगह लड़के बढ़िया है, उन्हें किसी से जलन नहीं है, कौन हैंडसम है, कौन गोरा है, कौन चिकना है, किसके बाल बड़े किसके बाल छोटे क्या है, वो पता है एक दूसरे में शेयर कर लेंगे। और इसकी जगह लेडी से वो शेयर नहीं करेंगी, वो पता है और उल्टा उल्टा बता देंगी। तो चलो यहाँ पे मैंने हैंस प्रूव कर दिया मैथमेटिक्स में जो होता है ना कि लड़कियों की प्रॉब्लम ज्यादा है, लड़कों की प्रॉब्लम कम है। तो अगली बार लड़के मत बोलिएगा। अब चलो आप लोगों के सामने तो प्रूफ कर दिया, लेकिन अभी फिलहाल मुझे एक्चुअली सोचना है कि मैं क्या निकालूं क्या पहनूं, क्योंकि मुझे जाना है और मुझे सब कपड़े निकालने हैं, जूड़ी निकालनी है, सब कुछ मैच करना है। बट पता है फिर मेरा दूसरा थॉट माइंड में क्या चलता है, वो ये चलता है कि मैंने लास्ट टाइम जो भी किसी भी फंक्शन में पहना था तो मुझे ऐसा बोला गया था कि आप तो जो भी पहनते हो उसमें अच्छे लगते हो, फिर वो चाहे रिपीट भी हो। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, मैं कुछ भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि अब मैं अपने आप में ये प्राइड से बोल रही हूँ कि ठीक है मैं तो जो भी पहनती हूँ अच्छी लगती हूँ, तो मैं कुछ भी निकाल लेती हूँ और पहन लेती हूँ, ठीक है। मैं फालतू इतना सोच रही थी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो वीडियो रखती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो